अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सबको पता है मेरा नाम सुमेर है और मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। आज मैं आपके लिए एक डिफरेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, वह है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब किसे कहते हैं, वर्ब की डेफिनेशन क्या होती है, वर्ब की कितनी काइंड्स होती हैं या टाइप्स होती हैं। वर्ब के बारे में मैं आपको बता दूं कि वर्ब इज द हार्ट ऑफ ए सेंटेंस। वर्ब जो होता है वो एक जुमले का दिल होता है। दिस फ्रेज शोज द इम्पोर्टेंस ऑफ ए वर्ब इन ए सेंटेंस। ये जो फ्रेज है ये वर्ब की इम्पोर्टेंस के बारे में बताता है कि वर्ब की जुमले में कितनी इंपॉर्टेंस होती है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब के बगैर जुमला अधूरा होता है। वर्ब को उर्दू लैंग्वेज में फेल कहते हैं। अब मैं आपको वर्ब के बारे में बताता हूं। वर्ब अल्फाज होते हैं, किसी भी शख्स के काम को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाजों को वर्ब कहते हैं। किसी भी शख्स के फेल को रिप्रेजेंट करने वाले अल्फाजों को वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूं ही एट मैंगो, उसने आम खाए। इसमें एट क्या है, वर्ब है। ईट, लुक, गेज, सिट, जंप, रन, वॉक, टॉक, ये सारे क्या हैं, ये वर्ब कहलाते हैं। इनको वर्ब क्यों कहते हैं, क्योंकि ये हमारे एक्शन को जाहिर करते हैं। खाना भी एक एक्शन है, लिखना भी एक एक्शन है, जंप भी एक्शन है, प्ले भी एक्शन है, लुक भी एक्शन है, सी भी एक्शन है। ये अल्फाज हमारे एक्शन को जाहिर करते हैं, इसलिए इन अल्फाजों को वर्ब कहते हैं या एक्शन वर्ब कहते हैं। हमारे एक्शन को जाहिर करने वाले अल्फाजों को वर्ब कहते हैं, ये बात आपने ज़हन में रखनी है। वॉक, टॉक, रन, लुक, सी, इन सारे अल्फाजों को वर्ब कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ये अल्फाज हमारे एक्शन को जाहिर करते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि वर्ब की कितनी टाइप्स होती हैं। वर्ब की बहुत सारी टाइप्स होती हैं, जैसे रेगुलर वर्ब, इररेगुलर वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेसल वर्ब, मॉडल वर्ब, फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, एक्शन वर्ब, मेन वर्ब, इन्फिनिटिव्स या हेल्पिंग वर्ब, ये सारी वर्ब की काइंड्स हैं। नाउ कम टू द पॉइंट, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन रेगुलर वर्ब एंड इररेगुलर वर्ब। आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रेगुलर वर्ब किसे कहते हैं। रेगुलर वर्ब वर्ब की ही एक टाइप होती है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं। रेगुलर वर्ब्स आर वंस दैट एंड इन ईडी इन द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल। आप एग्जांपल्स की तरफ तवज्जो दोगे आपको समझ आ जाएगी। फर्स्ट फॉर्म क्या है, वॉक है। अगर वॉक के साथ हम ईडी लगा देंगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म बन जाएगी, इसी तरह वर्ब की तीसरी फॉर्म बन जाएगी। वॉक के साथ अगर हम ईडी लगा देंगे तो वर्ब की तीसरी फॉर्म बन जाएगी, इसी तरह वॉक के साथ अगर हम ing लगा देंगे तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी। रेगुलर वर्ब नॉर्मल पैटर्न को फॉलो करती है, फिक्स पैटर्न होता है इन फॉर्म ऑफ वर्ब का। ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करती हैं। जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, पहली फॉर्म के साथ ed लगाने से सेकेंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। जैसे मिस, मिस्ड, मिस्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, वॉक, वॉक, वॉक्ड। इस तरह पहली फॉर्म के साथ अगर हम ing लगा देंगे तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाएगी, उसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। रेगुलर वर्ब रेगुलर पैटर्न को फॉलो करती है, रेगुलर वर्ब फिक्स पैटर्न को फॉलो करती है, रेगुलर वर्ब स्टैंडर्ड पैटर्न को फॉलो करती है। इसका स्टैंडर्ड पैटर्न है, जैसे वॉक, वॉक्ड, वॉक्ड, स्टार्ट, स्टार्टेड, स्टार्टेड, मिस, मिस्ड, मिस्ड, प्ले, प्लेड, प्लेड। अब हम इररेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। इसका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता, इसकी हर फॉर्म दूसरी फॉर्म से डिफरेंट होती है। पहली फॉर्म दूसरी फॉर्म से डिफरेंट होती है और तीसरी फॉर्म भी पहली दो फॉर्म से डिफरेंट होती है। इट डज नॉट फॉलो फिक्स पैटर्न, इट डज नॉट फॉलो रेगुलर पैटर्न, इट डज नॉट फॉलो नॉर्मल पैटर्न, ये बात आपने जहन में रखनी है। जैसे डू, डिड, डन, हर फॉर्म दूसरी फॉर्म से डिफरेंट है। ईट, एट, ईटन, सिंग, सैंग, संग,
इसीलिए इन फॉर्म ऑफ वर्ब को इररेगुलर वर्ब कहते हैं और इन फॉर्म ऑफ वर्ब को रेगुलर वर्ब कहते हैं। आपने तवज्जो देनी है, आपको समझ आ जाएगी। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। ड्राई, ड्राइड, ड्राइड। स्लो, स्लोड, स्लोड। ये रेगुलर पैटर्न है, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने ईडी लगाया है और वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ईडी लगाने से सेकेंड फॉर्म भी बन जाती है वर्ब की और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। यही फिक्स पैटर्न है रेगुलर वर्ब का और इसको स्टैंडर्ड पैटर्न भी कहते हैं इररेगुलर वर्ब्स। अब मैं आपको इररेगुलर वर्ब के बारे में बताता हूं। इसकी हर फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ डिफरेंट होती है। गिव, गेव, गिवन, नाउ, न्यू, नॉन, राइज, रोज, राइजन। इररेगुलर वर्ब रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती, इसलिए इन फॉर्म ऑफ वर्ब को इररेगुलर वर्ब्स कहते हैं। गिव, गेव, गिवन, नाउ, न्यू, नॉन, राइज, रोज, राइजन। अब मैं और एग्जांपल आपको बताता हूं। इंजॉय पहली फॉर्म है, इंजॉयड सेकंड फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इंजॉयड और फोर्थ फॉर्म क्या है इंजॉइंग। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाने से वर्ब की चौथी फॉर्म बन जाती है, जिसे प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। फ्राई, फ्राइड, फ्राइड, फ्राइंग। इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड, इनवाइटिंग। ज्वाइन, ज्वाइंट, ज्वाइंट, ज्वाइनिंग। ये वर्ब की पहली फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये वर्ब की तीसरी फॉर्म है, ये वर्ब की चौथी फॉर्म है। अब मैं आपको इररेगुलर वर्ब की एग्जांपल्स के बारे में बताता हूं। पहली फॉर्म गो, दूसरी फॉर्म वेंट, तीसरी फॉर्म गॉन, इसी तरह चौथी फॉर्म गोइंग। हर फॉर्म दूसरी फॉर्म के साथ डिफरेंट है। बाय, बॉट, बॉट। ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक। ये जो फॉर्म ऑफ वर्ब होती हैं, ये रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती, इसीलिए इन फॉर्म ऑफ वर्ब को इररेगुलर वर्ब कहते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है, नाम से ही जाहिर है। अब मैं आपको रेगुलर वर्ब की एग्जांपल्स के बारे में बताता हूं। जो पहली फॉर्म है ना, उसको बेस फॉर्म भी कहते हैं। दूसरी और तीसरी फॉर्म कैसे बनी? पहली फॉर्म के साथ हमने ईडी लगाया, पहली फॉर्म के साथ ईडी एड करने से दूसरी फॉर्म भी बन गई और वर्ब की तीसरी फॉर्म भी बन गई। इसी तरह वर्ब की पहली फॉर्म के साथ हमने आईएनजी लगाया तो वर्ब की चौथी फॉर्म बन गई। आस्किंग, अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड, अराइविंग। आंसर, आंसर्ड, आंसर्ड, आंसरिंग। एक्ट, एक्टेड, एक्टेड एंड एक्टिंग। ये रेगुलर पैटर्न है फॉर्म ऑफ वर्ब का, इसीलिए इन फॉर्म ऑफ वर्ब को हम रेगुलर वर्ब कहते हैं। और जो फॉर्म ऑफ वर्ब रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करती, उनको हम इररेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, सी, सा, सीन, सिंग, सैंग, संग, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, बिगन, बिगेन, बिगन, ईट, एट, ईटन, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, सिंक, सैंग, संक, फॉल, फेल, फॉलन। ये इररेगुलर वर्ब की टाइप्स है जो मैंने आपको बताई है, ये आपने जेहन में रखनी है। और ये जो वर्ब की फॉर्म है, इनको हम रेगुलर वर्ब कहते हैं, क्योंकि इनका जो पैटर्न है वो रेगुलर है, वो फिक्स है, वो नॉर्मल है। इसको स्टैंडर्ड पैटर्न भी कहते हैं। इट फॉलोज स्टैंडर्ड पैटर्न। वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ई डी लगाने से सेकेंड फॉर्म भी बन जाती है और थर्ड फॉर्म भी बन जाती है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल्स। अराइव, अराइव्ड, अराइव्ड। Ask, asked, asked. Answer, answered, answered. Act, acted, acted. I hope कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंग्लिश सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इससे आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरे हौसले जरूर बुलंद होंगे। I hope कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। Wish you best of luck. God bless you. Allah Hafiz.